नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप डिजिटल मार्केटिंग मेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में। जो गूगल की पहले प्रॉपर्टी होती थी मोबाइल प्लस वेब, उसका अब नाम चेंज हो गया है। अब गूगल ने उसको गूगल एनालिटिक्स 4 के नाम से एक बीटा फॉर्मेट में भी लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में समझेंगे किस तरह आप यूज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 का, उसके क्या बेनिफिट है, किस तरह वो डिफरेंट है जो यूनिवर्सल एनालिटिक है, क्या आपको दोनों ही यूज करने चाहिए और किस तरह आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो पहले एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो गूगल की प्रॉपर्टी है जिसको हम यूनिवर्सल एनालिटिक कहते हैं, उससे किस तरह जो डिफरेंट है गूगल एनालिटिक 4। तो एक चीज तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर है कि जो इसका पहले भी जो नाम था वो मोबाइल प्लस वेब है, तो इसमें जिन लोगों के पास मोबाइल ऐप है प्लस वेबसाइट होती है उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छा टूल है, जिसमें वो जो क्रॉस डिवाइस यूजर की जर्नी होती है उसको वो ट्रैक कर सकते हैं कि आप मोबाइल पे आपके कितने कन्वर्जन है, आपकी जो वेबसाइट पे कितने हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सिर्फ आपकी ऐप नहीं है तो आप गूगल एनालिटिक्स 4 को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कुछ और भी चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजरमेंट में है। जो यूनिवर्सल एनालिटिक होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो सेशन बेस्ड डेटा मॉडल पे होता था, लेकिन जो गूगल एनालिटिक्स 4 है उसमें क्या हो गया, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अब वो इवेंट बेस्ड डेटा मॉडल पे होगा। तो यहाँ पे सेशन आप समझते हैं एनालिटिक्स में सेशन डिफरेंट सेशन बनते हैं यूजर के, बट अब क्या होगा यहाँ पे इवेंट बेस पे होगा। जो रिपोर्टिंग थी हमारी यूनिवर्सल एनालिटिक्स में वो लिमिटेड थी क्रॉस डिवाइस पे या क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो अभी नया रिपोर्टिंग है गूगल एनालिटिक्स 4 में वो फुल क्रॉस डिवाइस और क्रॉस प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग आपको मिलेगी। और जो इसका मेन बेनिफिट है, जो एक्चुअली हमारा गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स था उसमें जो ऑटोमेशन था वो लिमिटेड था, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं AI को, लेकिन जो AI को आप यूज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में उसका डेफिनेटली एक लेवल अहेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग है उससे आपको जो आपके इनसाइट मिलेंगे, आपको उससे उसके प्रिडिक्शन मिल सकते हैं आपको। तो ये मेन आप देख सकते हैं कंपैरिजन है यूनिवर्सल एनालिटिक्स का और जो गूगल एनालिटिक्स है। इसमें मेन क्या है कि आप क्रॉस डिवाइस को अच्छे से आपको रिपोर्टिंग मिलती है, इसमें मशीन लर्निंग का बहुत वाइटल रोल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप गूगल एनालिटिक्स 4 को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक यूनिवर्सल एनालिटिक्स का मेरा डेमो अकाउंट है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जब गूगल एनालिटिक्स 4 को यूज करना है तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड टू GA4, लेकिन कुछ अकाउंट में अभी ये ऑप्शन नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है कि आप गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर आपके अकाउंट में ये ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे अपग्रेड टू गूगल एनालिटिक्स 4 पे क्लिक करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको गूगल एनालिटिक्स 4 को भी यूज करना है, साथ में ही आपको जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उसको भी आपको यूज करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक हमें न्यू गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी GA4 प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिंग पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी का नेम देना चाहते हैं आप यहाँ से इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं, आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा स्ट्रीम में आपके पास ऑप्शन है वो एंड्रॉइड का है, वो iOS का है और वेब का है। तो आपको यहाँ पे ऐड स्ट्रीम पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से चूज करना है। तो मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यहाँ से वेब को सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल मेंशन करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रीम नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनहांस्ड मेजरमेंट का। इसका मतलब क्या है कि बिना किसी कोड या टैग को यूज करते हुए यहाँ पे क्या जो आप देख सकते हैं जो डिफरेंट यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं उसको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे जो इवेंट क्या है, पेज व्यू, स्क्रॉल, आउटबाउंड लिंक, साइट सर्च, वीडियो एंगेजमेंट एंड फाइल डाउनलोड। तो ये जितने भी आप देख सकते हैं इवेंट ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे। तो पहले क्या था, अदरवाइज आपको स्क्रॉल के लिए आपको गूगल टैग मैनेजर से आके एक सेपरेट टैग क्रिएट करना था, बट अगर इस फीचर को आप यहाँ से एनेबल करते हैं तो ये तो ऑटोमेटिक होंगे। इसके अलावा जो एडिशनल आप चाहते हैं उसको आप गूगल टैग मैनेजर से जाके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीम हमारा जो यूआरएल क्या है, हमने जो स्ट्रीम नेम दिया है, इसी तरह यहाँ पे जो मेजरमेंट आईडी है वो यहाँ पे शो हो रही है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमने एनहांस मेजरमेंट को यहाँ से एनेबल किया था, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं टैग को। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है,
अगर हम हमारे पास ऑलरेडी जो यूनिवर्सल एनालिटिक इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपके पास जी टैग का ऑप्शन होता है, आपको जी टैग को इंस्टॉल करना होता है डायरेक्टली अपने हेड सेक्शन वेबसाइट पे, या आप इसको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। बट ऑलरेडी अगर आपने जी टैग को इंस्टॉल किया है फॉर यूनिवर्सल एनालिटिक्स तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ जो इंस्ट्रक्शन है आपको इनको फॉलो करना है और उस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं जीए फोर को। तो यहाँ पे आपके पास गूगल टैग मैनेजर के भी इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह अगर आपके ऑलरेडी आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं गूगल टैग मैनेजर का आपको वो फॉलो करना है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आपको दिखाऊंगा किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं जीए फोर को। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो मेजरमेंट आईडी को कॉपी करना है और उसके बाद आपको अपना गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको न्यू टैग पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है गूगल एनालिटिक्स जीए फोर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मेजरमेंट आईडी को कॉपी करना है और जो ट्रिगर है उसमें आपको यहाँ पे ऑल पेजेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसको सेव करना है और इसको यहाँ से सबमिट करना है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो हमने टैग क्रिएट किया वो फायर हो रहा है या नहीं और उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो इससे होता है कि आपका ब्राउजर एक स्पेशल ब्राउजर में कन्वर्ट हो जाता है और आप चेक कर सकते हैं कौन से जो टैग है वो फायर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिबगर है वो कनेक्टेड है। तो इसी के साथ जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्क्रॉल करता हूँ और आपको यहाँ पे चेक यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा पेज लोड हुआ है उस पे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 भी फायर हुआ है वन टाइम। तो आप देख सकते हैं जो हमने टैग क्रिएट किया तो वो करेक्टली फायर हो रहा है। उसके बाद आपको इसको यहाँ से क्लोज करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो गूगल एनालिटिक्स 4 का इंटरफेस है वो डिफरेंट है हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर इन लास्ट 30 मिनट, हमने क्या टैग अभी इंस्टॉल किया इसी वजह से अभी हमारे पास यहाँ पे जो डेटा फेच होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर जैसे आप अपनी वेबसाइट पे टैग कर देंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी में आपके पास यहाँ पे रियल टाइम का ऑप्शन है, अगर आप रियल टाइम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो भी रियल टाइम से रिलेटेड मैट्रिक्स है वहाँ पे आपको डेटा मिलता है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शन है, एक्विजिशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एंगेजमेंट है, मोनेटाइजेशन है, रिटेंशन है, साथ में हम जो यूजर का डेमोग्राफिक है, टैग है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट, तो जितने भी इवेंट होंगे आपके वो ऑल इवेंट में यहाँ पे शो होंगे। इसी तरह आपके जो भी इवेंट है उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन में, तो वो आपके कन्वर्जन टैब में शो करेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एडिशनल एनालिसिस का ऑप्शन है, आप ऑडियंस देख सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर जो भी डेटा आता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको एक एक टैब को कवर करके समझा पाऊं कि ये किस तरह डिफरेंट है यूनिवर्सल एनालिटिक्स से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि गूगल एनालिटिक्स 4 जो क्या उसके फीचर हैं, किस तरह वो डिफरेंट है गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स से, किस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।